हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग लिविंग रूम की सफाई से शुरू करते हैं और मैं आज लिविंग की सफाई बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगी। और लिविंग रूम की सफाई बहुत आसानी है और कोई भी आता जाता है तो पहले यहीं बैठता है, इसलिए लिविंग रूम की सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है। चलिए करते हैं लिविंग रूम की सफाई। ओम सूर्याय नमः। मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड से और फ्रेंड, देखिए मैं अब सोफे के सारे कुशन हटा दे रही हूँ और सोफ़ा बैग भी सारे हटा दूँगी मैं, और उसके बाद हम लोग लिविंग रूम को साफ करेंगे। और चलिए सीखते हैं लिविंग रूम आसान सी सफाई। और देखिए मैं सोफे के गद्दे को झाड़ना स्टार्ट कर दी हूँ और बहुत आसानी से आपके डस्ट धूल निकल जाते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये इतनी आसान सफाई है गद्दों की। और गद्दों के नीचे हम लोग कुछ कुछ रख ही देते हैं, पेपर वगैरह, तो वो सब भी सफाई हो जाती है। और सोफे के बीच में एकदम जाले हो जाते हैं, डस्ट धूल जमा हो जाते हैं, उसको भी झाड़ देना ज़रूरी है। और देखिए प्लास्टिक वाले झाड़ू से बड़े सफाई से जाले निकल जाते हैं। और सोफ़ा हमारे दीवार से जो सटी हुई रहती है उसके पीछे बहुत सारे जाले भी लग जाते हैं और कम दिखाई देते हैं, इसलिए हम लोग दूसरे ध्यान नहीं देते हैं और वो ज़रूरी है झाड़ना। और देखिए प्लास्टिक वाले झाड़ू में कैसे फंस के आ जाते हैं। और मैं बता दूं कि जिस चीज़ से मैं झाड़ रही थी, मोटे दांत वाली कंघी है, जिसे बहुत अच्छे से सफाई से गंदगी धूल निकल जाती है और झड़ भी जाती है और बहुत सफाई से हो जाता है। आप करके देखिए और धूल मिट्टी निकलते हुए दिखता है, झड़ता है। तो आप सोफे के गद्दे या बेडशीट के गद्दे कुछ भी आप झाड़ोगे तो उससे बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। और सोफे के पीछे मैं एक दवा का रेक रखी हूँ, जिसमें उसको मैं झाड़ती रहती हूँ, देखती रहती हूँ कोई एक्सपायरी डेट वाली अगर दवा तो मैं फेंक देती हूँ। तो उसी को मैं सोची कि उसमें भी जाले लग गए थे रैक में, तो मैं उसको झाड़ने में लग गई कि सोफे के पीछे छुपा हुआ रहता है वो। और ये रहा एक दवा का डब्बा, जिसमें आपको मूव, ये पेन किलर, ये सब जो पैरासीटामोल मैं रख देती हूँ, और मूव वगैरह वैसे बाम उम रहता है वो रख देती हूँ अलग से कि आसानी से इसमें से मिल जाए। अब मैं अपने लिविंग रूम को ठीक करने में लग गई हूँ। सारे सोफे में गद्दों को झाड़ चुकी हूँ मोटे दांत वाले कंघी से। आप करके देखिए कितने अच्छे से डस्ट निकल जाता है कंघी से। और फिर से मैं सोफा बैग बिछा दे रही हूँ और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि लिविंग रूम सफाई होने के बाद कितना अच्छा लगने लगता है और हल्का फील होता है। जब डस्ट और जाले निकल जाते हैं घर से तो बहुत हल्का सा महसूस होता है, और जाले लगने भी नहीं चाहिए घर में, वो अच्छा भी नहीं होता है। और सफाई के बीच में ही अननोन नंबर से कॉल आने लगा तो मैं उठाई, पता चला कि वो पड़ोस में ही रहती हैं चाची, उनका फ़ोन था और वो पूछ रही थी किसी डॉक्टर के बारे में, तो किसी का तबीयत ख़राब है। तो मैं फिर से बात करने लगी, बीच में मेरी सफाई स्टॉप रही। हाँ, 9 बजे से 11 बजे तक। हाँ, सामुआ के तो 5 बजे से 8 बजे तक उठ जाला।
नानी का नंबर है। और हमारी गप थोड़ी लंबी चल गई। हाँ, समाचार मैं पूछने लगी। और ये क्या है, एक्सरे वाला? तो एक्सरे वाला मैं रख दे रही हूँ कि ताकि सूर्य ग्रहण जब भी लगे तो हम लोग को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, एक्सरे वाला से ही देखना चाहिए। और जितनी भी एक्सपायरी डेट वाली दवा थी मैंने फेंक दिया। और ये जिसमें मैं दवाई की सीसी रखती हूँ उसको मैंने धो धा के अब इसमें वापस से जो रखना होगा मैं रख दूँगी, जो फेंकना था मैं फेंक चुकी हूँ। और वापस से मैं अपने काम में लग गई हूँ और सोफ़ा बैग मैं बिछाने में लग गई। ऊपर की मैं बिछा चुकी थी, अब नीचे की सीट मैं बिछा रही हूँ। और फिर से मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ हेल्प करने लगे और सोफ़ा बिछाने में। उनको तो अपने ड्यूटी जाना है लेकिन फिर भी नाश्ता वगैरह कर लिए हैं और मेरी हेल्प करने में लग गए। थैंक यू सो मच हस्बैंड जी। और मैं बेडशीट हटाकर फिर मोटे वाले कंघे से अपने बेड के गद्दे को मैं झाड़ दूंगी ताकि उस पर भी धूल मिट्टी जो लग जाती है कि दिन भर बेड पे हम लोग चढ़ते उतरते हैं तो वो सफाई हो जाती है धूल मिट्टी की। और मैं पीलो के कवर अब चेंज कर दे रही हूँ और वो धोने के लिए डाल दी हूँ और ये चेंज करके फिर मैं लगा दे रही हूँ वापस से। और अभी दूध वाले भैया आएंगे और मैं बर्तन रख दे रही हूँ और उस पर छानने वाले भी रख दे रही हूँ ताकि दूध छान उनके रख के वो चले जाते हैं। और फाइनली मेरे घर का लुक देख लीजिए, सब साफ सुथरा और मैंने सब सजा के रख दिया है। और फाइनली मेरे घर में ये सारे काम हो गए हैं और झाड़ने के बाद कितना अच्छा लगने लगता है घर। और सामने जो कृष्ण भगवान हैं उनकी जो पिक्चर आपको दिख रही है तो वो मैंने बनाया था। और कृष्ण भगवान को देखिए मैं दीवार पे ड्रो कर दी हूँ, कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और मेरे हस्बैंड बैठ गए चाय पीने के लिए और मैं भी बैठ गई, दोनों साथ में अब चाय पी रहे हैं। चीयर्स। और हमारी ये घर की आज सफाई समाप्त हो गई लिविंग रूम की। और आई होप सो आपकी ये वीडियो, आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू, प्यार भरा नमस्कार।